लेने गई थी मैं मार्केट मम्मी के साथ, वो मिला नहीं कल, तो आज मैं पापा के साथ जा रही हूँ। अभी बाइक पे बैठ के धाम से जाऊंगी, दौड़ के आऊंगी। हाँ, रिक्वेस्ट करो फिर ही कुछ मिलेगा। बोलिए क्या चाहिए। क्या चाहिए? कुछ भी चाहिए, मुझे बेइज्जती नहीं चाहिए। अब मैं क्या, मेरे सामने में बोलूं क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, क्या नहीं चाहिए ये बताओ। चाय नहीं चाहिए। चाय नहीं चाहिए। करवा ली बेइज्जती, हो गया। दिमाग वाले हैं सब, समझ जाएंगे। मुझे चाय नहीं चाहिए। मैं वही काम कर रही हूँ, मेरा वाला चाय मम्मी मेरे को देख रही है और ऋषा मोबाइल चला रहा है। मैं गरीब हूँ गाइस। देखो बेटा बेटा को अपने गोद में सुला रही है और एक को बाजू में बिठाई है। और अरे तू चुप ना, और मुझे बोल रही है कि कांदा छील। बोलो हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये ना लोग, आप लोग देख के ना अभी फ्रेम में कैसे लग रहे पता है? एक बीमार बच्चा माँ उसको गोद में लिटाई है और ये भीख मांग रहा है कि कुछ दे दो। नहीं गाइस, हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। मांगना होता तो इसे अच्छा दीदी का फोन चुरा के बेच देते। शिकायत कर रही है लोग कि ये हमें नहीं मान, मम्मी हमें नहीं मानती है, इसको मानती है, उसको मानती है, उसको। यही मैं सिखा रही थी समझाने। हाँ तो अब आप कैमरा में बता दो कि सबसे ज्यादा किसको मानते हो। सबसे ज्यादा नहीं, बराबर मानती हूँ, लेकिन तुम और ये आंख के सामने में रहती हो तो इसलिए इतना फिक्र नहीं रहता। ये हमेशा कमीना बाहर घूमता रहता है, किसी के साथ भाग जाते बाहर नहीं नहीं मतलब अपना फ्रेंड जमाया हुआ है। और दोस्ती इतनी ही ठीक होती है जितना आपको जरूरत है, जरूरत से ज्यादा दोस्ती हानिकारक होती है। यही इसको समझाती हूँ कि गलत दोस्ती है ना, गलत डिसीजन है जीवन का, जो कि अगर लो तो आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्ती से सब कुछ है, लेकिन दोस्ती बहुत ज्यादा होना ठीक नहीं होता। सही यही मैं इसको समझा देती हूँ बस। अच्छा तो मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, तीन को दूर। जो दूर रहती है लेकिन ये समझदार है शुरू से ही, अपना बात अपना इसको जो करना है ये वैसे तो करती है अपने दिल का ही, लेकिन कभी कभार हम लोग का भी सुन लेती है कभी कभार, तो इसलिए इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं रहता। और ये बच्चा तो ये मेरा भोलेनाथ है, शरीफ है ये, अभी अभी तो हमारा भक्त है। भक्त तो हमारे तीनों बच्चे हमारे, ऐसा नहीं है कि ये है वो है, ऐसा नहीं। लेकिन ये अभी बच्चा है, अभी घर में मेरे साथ रहता है, तो इसलिए इसकी फिक्र ज्यादा नहीं रहती है। मारो और मारो। अपने दोस्तों के साथ घर आता है तो सांस में सांस आ जाती है। अब घर अब फिर बोलता है मम्मी दो और दो घंटे में आता है, फिर टेंशन हो जाती है। मैं तो बस इसका फिक्र रहता है, तो सब बोलते हैं कि इसको ज्यादा प्यार करता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो आपका है वो मेरा, जो मेरा है वो मेरा ही है। हाँ वो आपका ही, आप अपना चीज छोड़ ना देंगे। वो दिख रहा है वो पिंक कलर का, वो शिवम पढ़ाई कर रहा है। ये देखिए स्कूल, उसका स्कूल देखिए, हमारा घर उसका स्कूल देखिए उधर है। हम लोग छत पे उसको ध्यान ही नहीं दे रहे, वो तब से हाई किए जा रहा है। मम्मी यार सुनेगी ना, देखे चलिए नहीं।
चल नौटंकी बन गया। गाइस देखो मम्मी लूडो खेल रही है, वो भी पापा के मोबाइल में। शिवम साथ दे रहे हैं। मम्मी 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 पगला गए। और इसको देखो ये वीडियोस देख रहा है और मुझे देखो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और साथ में बैठी हूँ। कैसे करता है शिवम, तो कैसे करते हैं? ठीक से करना। अरे इधर देख के रखूंगी। हाँ रखूंगी, ये याद रखना, जो भी हरकत कर रहा है ना रिकॉर्ड हो रहा है। बोल अरे बोल ऐसा बोलना। हार गया, हार गए। देखो ये हार गई, हार गई, ये हार गई। मम्मी को लूजर बोलते हैं, कट हो जाएगी। अरे मैं फोन उठा ली थी ना, तो गोटी है ना इधर उससे उधर गड़बड़ा गया था। ऋषभ आप कुछ कहना चाहते हो? क्यों मूड नहीं है? आई गिरा दे, ठीक गिरा दिया। बाप ये रीस्टार्ट क्या कर दिया रे? रीस्टार्ट करो ना, फिर से खेलो। नहीं हिंदी में बोल। शिवम हिंदी में बोलना, मेरा कंटेंट रेडी हो जाएगा। तू क्यों दुश्मन बनता है मेरा? प्लीज हिंदी में बोल। प्लीज हिंदी में बोल। नो नहीं आता तुमको? नहीं आता तो अभी क्या बोलता है तुम? हबीबी बोलता है तो हबीबी में ही बोल दे। हबीबी कम टू नेपाल। पांच तारों के मात्र ढलान है, दूताला के एक एक साइड से मात्र पलस्तर है। और पुलिस तगड़ा सब हटा के लिए पुलिस धरते तवान पर खत्म करा के शुरू कर दे। ये हम लोग के फोटो के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मेरा कैमरा क्वालिटी कितनी, क्यों ऐसा लग रहा है? रूम में ऐसा ही आता है, क्या फायदा आईफोन लेके हैं? ऐसा क्वालिटी चाहिए? आईफोन वाले को तो मैं शिकायत करूंगी, जा रही हूँ मैं ट्वीट करने के लिए। घर में अच्छा क्वालिटी नहीं आता है करके। गाइस ये देखो, ये ना फोटो के साथ ना एक्सपेरिमेंट कर रहा है। टिकटॉक पे जो भी मतलब इफेक्ट आया है ना, पता नहीं क्या कर रहा है। लड़का को लड़की, लड़की को अलग ही लड़की बना के छोड़ रहा है। मस्त कोकोरा कोकोकीटो कोकोकोकीटो। गाइस एक बात बताऊं मैं आप लोग को? हाँ मेरे को एक बात बताइए, मैं यहाँ पे हूँ तो आप सबको प्रॉब्लम है क्या? मेरे को कितने जन बोल रहे हैं, अभी चली गई क्या? फिर कोई कमेंट कर रहे हैं कि नेपाल में ही रहने का विचार है, मुंबई नहीं जाने का है क्या? तो मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं रह रही हूँ। आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हो कि जाओगे कब जाओगे कब जाओगे, ऐसा मत बोलो। अपने घर में ही तो हूँ, पानी में भीग तो नहीं ना रही हूँ, है ना ऋषभ? मेरे को रहना चाहिए ना यहीं पे, बोलना ठीक से। हाँ रहना चाहिए परसों तक। देखो कुत्ता